अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ घंटों पहले हमने एक स्टोरी इस पर अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अयाज मीर साहब, जो कि बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं और अपनी फील्ड में, अपनी इस जर्नी में बड़े मंझे हुए सहाफ़ी माने जाते हैं, उनके बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी का जो है वो कत्ल कर दिया, जो कि सारा थी कैनेडियन, ये इनकी इनके पास शहरियत भी थी, जो कि पाकिस्तान में मकीम थी। सारा कत्ल केस, एक नई पेशरफ्त हुई है, नई अपडेट है और वो अब तक पहुंचा रहे हैं। उसमें मुलजिम शाहनवाज का रिमांड मंजूर हो चुका है, जबकि वालिदैन की गिरफ्तारी की भी इजाज़त दे दी गई है जज साहब की तरफ से। पहले तो जब वकला दोनों पार्टीज की जानिब से अदालत में पेश हुए और मुलजिम के जो वकील थे उन्होंने कहा जी कि अभी मेरे मुलजिम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, अभी कोई सबूत सामने नहीं आ सके कि आया कि शाहनवाज ने ही सारा का अपनी बीवी का कत्ल किया है या सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसकी अभी तर्दीद होना बाकी है इस केस की, जिस पर जो जज साहब थे और दूसरे वकील थे उन्होंने रिमांड के लिए जज साहब से इजाज़त मांगी, जिसमें जज साहब ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शाहनवाज का मंजूर कर लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है शाहनवाज को। जबकि वकील की जानिब से फिर जज साहब से दरख्वास्त की गई कि सर, हम आपने मुलजिम के लिए, मुलजिम की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए तो हमें इजाज़त दे दी है, अपना बयान दे दिया है, लेकिन सर हम चाहते हैं कि जो इनके वालिद साहब हैं और इनकी वालदा हैं उनके लिए भी आप कोई स्टेटमेंट दें, ताकि उनसे भी सवाल और जवाबात लिए जाएं इस केस से मुतल्लिक, और इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या हकाइक हैं, उनको सामने लाया जा सके। तो इस पर जज साहब ने वो भी इजाज़त देते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जिसमें अच्छा अब इसमें तफसील क्या है वो आपको मुकम्मल पढ़कर सुनाते हैं। इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी की इजाज़त देते हुए उनके बेटे शाहनवाज को अपनी अहलिया के कत्ल की तफ्तीश के लिए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में जाने की इजाज़त दे दी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हफ्ते को सीनियर सहाफ़ी अयाज आमिर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी की इजाज़त देते हुए उनके बेटे शाहनवाज को अपनी अहलिया के कत्ल की तफ्तीश की खातिर 2 दिन के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया है। अयाज मीर के बेटे शाहनवाज की अहलिया सारा बीबी इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में जुम्मे को अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी, यानी कि एक रोज़ कबल, कल के रोज़ वो उनकी जो बीवी हैं शाहनवाज की, सारा, जिनका कत्ल हुआ है और उनके हस्बैंड शाहनवाज ने कत्ल किया है, जो कि अयाज आमिर साहब का बेटा है। अयाज आमिर साहब बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं, उनके बेटे के से कत्ल हो चुका है। एक रोज़ कबल जब अयाज आमिर साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक सहाफ़ी के सवाल पर जब अयाज आमिर साहब से पूछा गया कि आप इस केस के मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे, तो अयाज आमिर साहब की तबीयत बड़ी बोझल दिखाई दिए, बड़ी बेजार दिखाई दिए, और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि खुदा ऐसा वक्त किसी पर भी ना लाए, जिस पर मुलजिम शाहनवाज को हफ्ते की सुबह पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती की अदालत में पेश किया, यानी कि आज सुबह अदालत में मुलजिम को पेश किया गया और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। याद रहे कि 2 रोज़ से पहले 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी मुलजिम के, और बाद में जज साहब की जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुकदमे के तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम शाहनवाज कत्ल के मुकदमे में नामजद है और अभी कुछ बरामदगियां करनी हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिम शाहनवाज ने अपनी कैनेडियन नियाद पाकिस्तानी अहलिया को बिरूने मुल्क से बुलाकर बेदर्दी से कत्ल किया है। अब फिर समाअत के आगाज़ पर जज मुबशिर हसन चिश्ती ने मुलजिम के वकील से दरियाफ्त किया कि वो मुकदमे के सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं। अब सवाल ये, जब दरियाफ्त किया गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, जिस पर मुलजिम के वकील ने कहा, जो शाहनवाज के वकील हैं जो कि मुलजिम ठहराए गए हैं, अब सबूत सामने नहीं आ सके, उस पर मुलजिम के वकील की जानिब से मौकिफ सामने आया कि ये एक अंधा कत्ल है। अंधा कत्ल है तो मतलब कि अभी कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके, अभी कोई सबूत सामने नहीं आ सके, अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि आया कि शाहनवाज ही इसी कत्ल में मुलविस है या हकाई कुछ और हैं। जिस पर उनके मौक्ल का पहला रिमांड है, जिस पर वकील की जानिब से मौकिफ अपनाया गया कि ये एक अंधा कत्ल है और उनके मौक्ल का पहला रिमांड है, इसलिए इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मुलजिम शाहनवाज के वकील का कहना था कि इनके मौक्ल पर कत्ल का सिर्फ इल्ज़ाम है, याद रहे कि कत्ल का भी इल्ज़ाम है, अभी कोई शवाहिद, कोई ऐसा कोई सबूत, कोई ऐसे फिंगरप्रिंट सामने नहीं आ सके हैं।
अभी सबूत सामने नहीं आए। समाअत के बाद अदालत ने मुलजिम को 2 दिन के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया है, यानी कि अदालत ने शाहनवाज को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। 2 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है शाहनवाज का। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, हकाइक सामने आएंगे, फिर ही हमें अंदाज़ा होगा। फिर उसके बाद अदालत ने पुलिस को मुलजिम शाहनवाज के वालिदैन अयाज आमिर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी की इजाज़त भी दे दी। दूसरी जानिब अदालत ने मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स लेने से मुतल्लिक पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मामला गंभीर से गंभीर होता चला जा रहा है। हकाइक क्या है अयाज आमिर साहब का, इसमें क्या रद्द अमल है, उनकी जो बीवी हैं अयाज आमिर साहब की, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, और शाहनवाज की जानिब से आया कि ये गलती वाकई हुई है, और आया कि उनके हाथों उनकी बीवी जो कि सारा है उनका कत्ल हुआ है, और वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं शाहनवाज, तो सख्त सज़ा दी जा सकती है। लेकिन बार कैफ कता नज़र इसके अभी कोई इल्ज़ाम शाहनवाज के ऊपर साबित नहीं हो सका, और ये कंफर्म नहीं हो सका कि आया कि वो मुजरिम है या इसके पीछे, इस कत्ल के पीछे कोई और वजूहात हैं, और असल हकाइक क्या हैं। ये तमाम तर चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा ज़ैब को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।